अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप के सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। और लाइट, आज दिन है 14 जून 2021 और वक्त हुआ है गालबन दोपहर का कोई 3:30 का। और हमारा आज का विज़िट है इंशाअल्लाह बैरिया टाउन फेज एट रावलपिंडी सेक्टर ई के कमर्शियल एरिया का। कमर्शियल एरिया तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन फेज़ एट ई ब्लॉक के अंदर एक जगह मौजूद है जहाँ पे, जिसको हम कह सकते हैं कि नेबरहुड कमर्शियल, मेन कमर्शियल तो ये नहीं है। और इसकी जो अप्रोच बनती है वो एमआर रोड, 200 फुट वाइड रोड जो है, और जब आप आई ब्लॉक की तरफ से आते हैं, एच ब्लॉक की तरफ से या रूट्स मिलेनियम कैंपस की तरफ से, तो जैसे ही आप मेन एक्सप्रेस पे छोड़ते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर एक एरिया आता है जहाँ पे थोड़े से प्लॉट ने कमर्शियल के, और इनका साइज़ बनता है जनाब, जो कि अच्छा जो कमर्शियल, ये राउंड में है पूरा कमर्शियल एरिया, राउंड में है पूरा कमर्शियल एरिया। जैसे ही आप मेन से एंटर होते हैं तो जैसे आप देख रहे होंगे, एंटर होते साथ ही जो एज के ऊपर जितने भी कमर्शियल बने हुए हैं उनका साइज़ है 30x40, और कोई बहुत सारे कमर्शियल नहीं है, एक से लेके 40 कमर्शियल हैं। टोटल 40 प्लॉट हैं जो कि सराउंडिंग में है, और सेंटर के अंदर जो हैं वो गालबन कोई 18, 19, 20, 22, 23 के करीब प्लॉट होने चाहिए, जो कि एग्जैक्ट मुझे फिगर जहन में नहीं है। बहरहाल जो चारों तरफ बुलेवार्ड और स्कूल और पार्क इनको फेस कर रहे हैं, और जो 35x70 वाले प्लॉटों को फेस कर रहे हैं, उन कमर्शियल का साइज 30x40 है, और जो अंदर वाले हैं उनका 20x30 है। उसी हिसाब से इनकी हाइट मुख्तस है। तो बहरहाल ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर के हिसाब से भी और करंट पोजीशन पे भी। एज़ यू नो के जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ता है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मस्जिद, पार्क और किनाल के भी थोड़े से प्लॉट इस जगह को टच होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अभी प्लाजे बन भी रहे हैं, कुछ जो है वो बन करके ऑपरेशनल भी हो गए हैं, और जो सेंटर है पार्किंग स्पेस के अंदर जो दो इन्होंने पट्टियाँ दी हुई हैं कमर्शियल प्लॉटों की, उनमें भी जो है वो प्लॉट बन रहे हैं। देख लें, इन जो अंदर वाले जो कमर्शियल हैं, जो अंदर की जो गलियां, उनका जो बायलॉज हैं वो गालबन बेसमेंट ग्राउंड प्लस 1-2, यानी कि बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड टोटल ये हैं, और जो एज के ऊपर जितने भी जो राउंड शेप में प्लॉट हैं उनका जो है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 4 या 5 की गालबन अप्रूवल होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है बैरियर टाउन फेज में, कमर्शियल जो लोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वैसे ढूंढने के लिए निकलते हैं जो मेन एमआर रोड के ऊपर रिसेंटली, तो कह नहीं सकते, बहरहाल पहले जो लॉन्च हुए थे कमर्शियल, मेन रिंग रोड कमर्शियल जिनको कहते हैं, उनसे ये तकरीबन समझ लें कि ऑलमोस्ट काफ़ी कम प्राइस में, और अपॉर्चुनिटी भी, और पार्किंग स्पेस बहुत सारा है, और घरों को फेस कर रहे हैं, घरों के दरमियान है। और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल प्रॉपर्टी रखने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना है करें। दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।